स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज संडे है और संडे को एक वीडियो कम से कम आप लोगों के साथ शेयर करता हूं इस तरह का, ताकि हमारे और आपके बीच में एक इंटीमेसी रिलेशनशिप जो बना हुआ है इसी तरह बरकरार रहे। और लास्ट वीक जो है उसमें मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। इसके पीछे रीज़न यह है कि उस समय आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था, कुछ बच्चे का जो है एग्ज़ाम समाप्त हुआ था, तो ज़्यादातर बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा था, वे एग्ज़ाम में बिजी थे और मैं भी बिजी था, जिसके कारण मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला। इस वीक भी ज़्यादातर बच्चे का एग्ज़ाम चल ही रहा है और इस वीक जैसे ही समाप्त होगा उसके साथ साथ उसका एग्ज़ाम भी समाप्त हो जाएगा। संडे के बारे में मैं बहुत दिनों से कुछ जो है कहना चाह रहा था गार्जियन से, स्टूडेंट से, लेकिन कई बार मुझे याद नहीं आता था और आज भी संडे है और इत्तेफाक से ये बात भी मुझे याद है। एक्चुअली क्या होता है कि अभी के समय में देखते हैं ज़्यादातर बच्चे पहले से ही दिमाग में ये बैठा लिए हैं, पता नहीं कहाँ से ये धारणा उनके मन में आ गया है कि संडे को ज़्यादा देर तक सुबह में जो है सोना है और बिल्कुल वो जो है घोड़ा बेच के, हाथी बेच के सोए रहते हैं। पता नहीं उन्हें क्या लगता है, स्कूल तो जाना है नहीं, अभी तो सबका स्कूल खुला नहीं है, लेकिन फिर भी जिस समय खुला रहता है उस समय बच्चे सोचते हैं कि स्कूल जाना नहीं है और ना ही कोई काम है, जिसके कारण वह सुबह में सोचते हैं कि सोना है, पूरा अधिक देर तक सोना है, 8 बजे तक सोए रहते हैं, 9 बजे तक सोए रहते हैं, और यदि उसके मम्मी पापा उसको उठाने के लिए आते हैं तो फिर सोए सोए जवाब देते हैं कि मम्मी आज संडे है, पापा आज संडे है, सोने दो ना, रोज़ तो जल्दी उठते ही हैं, आज कम से कम सोने दो, और फिर गार्जियन भी उसको सोने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, गार्जियन को मैं विशेष रूप से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को देख देख कर सुला रहे हैं तो फिर आने वाले समय में आपको काफ़ी कष्ट होने वाला है। जो गार्जियन ऐसा कर रहे हैं वे अपने बच्चे का जीवन कष्टमय बना रहे हैं, वो अपना जीवन भी कष्टमय बना रहे हैं और बच्चे का जीवन भी कष्टमय तो होगा ही। आने वाले समय में आप ही कहेंगे, जब आपका एज हो जाएगा, बुढ़ापे का उम्र हो जाएगा, फिर आप ही बोलेंगे कि मेरा बेटा मुझे खाने के लिए नहीं देता है, तो भला वो कहाँ से देगा, आपने उसको आलसी बना दिया। अब आलसी बनाने के बाद क्या है कि वो उसका भी अपना फैमिली हो जाएगा, तो जो भी वो थोड़ा बहुत कमाएगा तो वो जो है अपने बच्चों को खिलाएगा या फिर अपने माँ बाप को देखेगा, तो ऐसी स्थिति में वो अपने बच्चों को ही देख पाता है। और ये स्थिति आज के डेट में ज़्यादातर गाँव में, ज़्यादातर जगहों में ऐसा स्थिति बना हुआ है। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो बच्चों का जीवन बर्बाद होने में गार्जियन का बहुत बड़ा रोल होता है। ज़्यादातर गार्जियन जो होते हैं, जो समझदार गार्जियन हैं, वे ऐसा नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर जो है मैं देखता हूँ कि गार्जियन बच्चों को छोड़ देते हैं सोने के लिए, सुबह में वो सोए हुए हैं, देखने वाला कोई नहीं है, 9 बजे सो के उठेंगे। अभी फिलहाल हमारे एक मित्र हैं, वो टीचर हैं, तो सुबह सुबह जो है मैं ट्यूशन में गया हुआ था तो उनको फ़ोन किया कि सर आप कहाँ हैं, बोले सर हम तो आए हुए हैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए और बच्चा जो है अभी मुंह धोने के लिए गया है। तो बच्चा सो के उस समय उठा जब टीचर पहुँचा, अब वो मुंह धोएगा, उसके बाद फिर तब तक टीचर जो है इंतज़ार कर रहा है स्टूडेंट का, वो आएगा तो उसको पढ़ाएगा। तो ऐसा स्थिति बना हुआ है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो विशेष रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसा मत होने दीजिए। संडे हो या मंडे, कहावत तो आप एक ऐड आता था, संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे, संडे मंडे उसमें देखते नहीं थे कि संडे है तो नहीं खाना, जब उसमें जो है फर्क नहीं किए तो फिर संडे को क्यों सोना, जब हर दिन उठना है तो फिर संडे को क्यों सोना है। और जहाँ मैं देखता हूँ संडे को ऐसा लगता है कि काम नहीं होगा, लेकिन संडे को ही ज़्यादा काम होता है। पता चलता है कि संडे जो है कैसे बीत जाता है, दिन का पता ही नहीं चलता। इस तरह की आदत जो है बच्चों में पनपने ना दीजिए, उसको बढ़ावा मत दीजिए, वरना धीरे धीरे जो है एक गंदा आदत जो है किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। आप लोगों ने तो वो कहावत सुनी ही होगी कि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से एक खराब आदत जो है आपका ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, आपके बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए ऐसी आदत अपने बच्चों को न लगने दीजिए। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, अभी एग्ज़ाम तो ख़त्म होने वाला है, उसके बाद बच्चे काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अब तो पढ़ाई ख़त्म हो गया। कई बच्चे को भी मैं देख रहा हूँ, उन्हें लग रहा है कि अब पढ़ाई ख़त्म हो गया, अब कुछ करना नहीं है। तो मैंने उन लोगों को कहा कि अभी आगे जाना है, ऊंचा क्लास में जाना है, तो और ज़्यादा मेहनत करना है। तो उन लोगों ने कहा कहीं हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, अच्छा बात है, अगर आप लोग का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है तो आप कहीं घूम के आइए 2-4 दिन, 1 सप्ताह, लेकिन फिर काम पर लग जाना है। कहा गया है कि आराम हराम है, ये कथन जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम हराम है, तो ये रियलिटी है। अगर आज आप आराम करते हैं तो फिर कल आपको कष्ट होगा। तो अभी से ही ज़्यादातर बच्चे जो शिशु मंदिर के हैं उन लोगों का साइंस और मैथ जो है वो NCERT का चलता है और कई सारे साइट में जो है ये बुक दिया हुआ है, तो अभी से ही आप पढ़ाई अपना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है फिर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे साइट में NCERT का बुक है, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। और
एट क्लास, नाइन क्लास, इन सब का जो है मैथ ऐसा एक सब्जेक्ट है कि एक साल बीत जाता है लेकिन उसका कंप्लीट नहीं हो पाता है। कई सारे बच्चों को मैं देख चुका हूँ। तो आप अभी से उसका तैयारी कीजिए, एक साल से पहले कंप्लीट करके आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चे को सोने का गलत आदत मत लगाइए, सुबह में जल्दी उठने का आदत लगाइए, वरना एक दिन आपका बच्चा आपको ही गाली दे सकता है या आपको मतलब कई सारा यातनाएं दे सकता है, ऐसा मुमकिन है। उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा होगा आप जो है दूसरे गार्जियन को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके और कम से कम कुछ लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। इससे बड़ा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बीच बीच में मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। इसके अलावा कई सारे वीडियो जो है हमारे चैप्टर बाई चैप्टर आते रहते हैं। मेरा वीडियो आने में थोड़ा लेट होता है, इसका रीज़न यह है कि मेरे साथ कई सारी समस्याएं जुड़ा हुआ है। अब मैं अपनी समस्याओं का रोने लगूं तो अच्छा नहीं लगेगा। कई सारे लोग कई सारे चैनल में आता है कि आज मुझे यहाँ चोट लग गया, आज मैं यहाँ गिर गया, मेरा कुत्ता बीमार हो गया, पता नहीं कई तरह से आते रहता है। तो उस तरह का अगर मैं यहाँ रोना रोने लगूं तो बहुत खराब बात है, मैं ऐसा नहीं चाहता। समस्या है, समस्या सबके साथ रहेगा और समस्या को दूर किया जा सकता है धीरे धीरे करके। तो इसीलिए आप इतना समझ लीजिए कि मैंने चैनल शुरू किया है और इसमें वन बाय वन करके वीडियो आते ही रहेंगे। हाँ, थोड़ा पहले पहले प्रॉब्लम होता है, क्या होता है कि यूट्यूब में तुरंत ही पैसे नहीं आते हैं, तो पैसे नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम बना रहता है क्योंकि यूट्यूब में समय देना ही देना है। अगर कोई यूट्यूबर होंगे तो उनको पता है कि यूट्यूब में कितना मेहनत करना पड़ता है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप जो चैप्टर का वीडियो चाहते हैं उसको मैं जल्दी से जल्दी बना सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसी तरह के फिर नेक्स्ट संडे को हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।